तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 29 दिसंबर 2022 और दोस्तों आज के डेट में झारखंड सरकार जो है झारखंड के ऐसे सभी किसानों को जिन्होंने मुख्यमंत्री सूखाड़ राहत योजना के अंतर्गत अपना आवेदन दिए थे और दोस्तों जिनकी जो आवेदन है वो वेरीफाई भी हो चुकी है, 10 लाख लाभार्थियों को पहले चरण के अंतर्गत दोस्तों 3,500 रुपये जो है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने जा रही है। तो दोस्तों इससे संबंधित मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा कि आज जो है कितने बजे ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे और दोस्तों किन लाभार्थियों के खाते में पैसे जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक डिटेल्स से डिटेल्स जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो देख सकते हैं यहां पर दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये एबीपी न्यूज के तरफ से अपने एबीपी लाइव के पोर्टल पर लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 दिसंबर तक खाते में पहुंच सकते हैं 3,500 रुपये, 2 दिन में पूरा कर ले ये काम। दोस्तों ये 2 दिन पहले का जो है आर्टिकल है, लेकिन दोस्तों आज है 29 दिसंबर क्योंकि दोस्तों यहां पर जो डेट मेंशन की गई है और ऑफिशियली जो झारखंड सरकार के तरफ से डेट अनाउंस किए गए हैं उसमें बता दिए गए हैं कि झारखंड सरकार का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष जो है पूरे होंगे 29 दिसंबर को और 29 दिसंबर को ही झारखंड सरकार जो है काफ़ी योजनाओं के जो पैसे हैं वो हस्तांतरित करने वाले हैं। और इसी के क्रम में दोस्तों झारखंड राज्य मुख्यमंत्री सूखाड़ राहत योजना के अंतर्गत भी जो पैसे हैं वो आज ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि नए साल से पहले ही झारखंड के किसान परिवारों के खाते में 3,500 रुपये की राहत अनुदान ट्रांसफर होना है। उम्मीद है कि इस राहत स्कीम के तहत 29 दिसंबर तक ये पैसा भेजे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिकल है पुरानी है, लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है उसके आधार पर बता दिया गया है कि 29 दिसंबर को ही जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे। जल्द नए साल का आगाज होने वाला है, ये साल भी किसानों के लिए मिला जुला ही रहा, लेकिन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर 2022 को दोस्तों 3,500 रुपये किसानों के खाते में झारखंड सरकार जो है अनुदान देने का प्रावधान किया है। और दोस्तों इससे संबंधित जो कार्य है उसे 25 दिसंबर तक ही पूरा करने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया था। जिन 10 लाख लाभार्थियों को इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं उन ऐसे लाभार्थियों ने अपना आवेदन से लेकर दोस्तों वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो 25 दिसंबर से पहले ही पूरा कर लिया था। जिन लाभार्थियों ने जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया था ऐसे सभी लाभार्थियों को आज के डेट में उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो रिसीव हो जाएंगे। तो दोस्तों कब पैसे जारी होंगे दोस्तों इससे संबंधित अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बताया गया है कि 29 दिसंबर को पैसे जारी होंगे। यहां पर जो डेट, तो दोस्तों यहां पर जो टाइम अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 बजे के बाद लाभार्थियों के अकाउंट में जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों हमें वेट कर लेना है और जैसे ही पैसे जारी होते हैं सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।